सिंध हाई कोर्ट बेरिया टाउन में भंजड़ा वाले टिन केसन में सिंध एक्शन कमेटी के कन्वेनर सैयद जलाल महमूद शाही बिन अगवान के दह डी लाइ हिफाजती जमानत मंजूर कर वरती। सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच हैदराबाद में सिंध एक्शन कमेटी के कन्वेनर सैयद जलाल महमूद शाह सैयद जैन शाह एडवोकेट सज्जाद चांडियो असलम खैरपुरी कदाब थाने ते दाखिल दहशतगर्दी के टिन केसन में जमानत लाइ दरख्वास्त दाखिल कराई। अदालत जलाल महमूद शाह जैन शाह एडवोकेट सज्जाद चांडियो असलम खैरपुरी के पंजवीह हजार रुपये के मचलकन एवज दह ई जमानत मंजूर कर वरती। अदालत सिंध अवामी फोरम के अगवान जान मोहम्मद जूणे जो जी भी एक केस में पंजवीह हजार के मचल के एवज दह ई जमानत मंजूर कई। सिंध एक्शन कमेटी की क्यादत की अदालत में आमदे वे अंग में अगवान तोड़े कारकुन मौजूद हुआ। सैयद जलाल महमूद शाह हिफाजती जमानत बाद मीडिया से गालंदे तो सिंध एक्शन कमेटी पारा बारह तारीख से इजलास कोठाए नव लाहे अमल जोड़ने जो फैसलो किया है। उन बारह तारीख से सिंध एक्शन कमेटी जो इजलास घुराए सिंध असेंबली आडो धरणो हणन समेत ईंदड़ हिकमत अमली जोड़ी वेंदी। इजलास में अस तय कंदी तो सिंध असेंबली जो घेराव कड़े ढी कड़ी तारीख से वे। जलाल महमूद शाह जो पुलिस वंगार वहदे अरड़ा का मथे केस दाखिल कर चुकी है। अगवाणन के घर से चढ़ाई की मजम्मत करूं था। उनको तो असा अदालतों में इंसाफ की उम्मीद है। पेरिया खिलाफ एहतजाज दौरान टे जिलों जहा एस एस पी डी आई जी सरजमीन से मौजूद न हुआ। पुलिस एहलकार पा भंजड़ा कंदा रहा।